कोई भी मुकदमा कोई थाने में करता है यानी FIR करता है, यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे FIR दर्ज करेगा थाने पर, थाना प्रभारी या इंस्पेक्टर इंचार्ज जब FIR दर्ज करते हैं, 154 CRPC के तहत में प्रावधान है ये, तो उस आवेदक को यानी सूचनादाता को एक कॉपी उसी दिन फ्री में कॉपी थाना इंचार्ज को दे देना है। याद रखिएगा कि FIR दर्ज करने के दिन ही सूचक को एक प्रति FIR की कॉपी फ्री में निःशुल्क, किसी तरह का पैसा उनको नहीं देना है जो लॉ में है। नंबर एक, जैसे ही आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो उसी समय जो आपके राज्य सरकार आपकी रक्षा करना प्रारंभ कर देती है, जिसको कहते हैं सरकार, यानी जैसे आप FIR पर दर्ज करते हैं, नाम साइन करते हैं, FIR दर्ज हो जाता है, निःशुल्क कॉपी आपको दे दी जाती है, तब से आपको कहा जाएगा सरकार, यानी सरकार ने आपका बीड़ा उठा लिया मुकदमा लड़ने के लिए। और दूसरा पक्ष जो होगा डिफेंस, अभियुक्त पक्ष, वो स्वतंत्र होगा, वो अपने बल पर मुकदमा लड़ेगा और जो भी खर्च करेगा अपने बल पर करेगा, लेकिन FIR करने के बाद एक पैसा भी कहीं इन्फॉर्मेंट को नहीं खर्च करना है। इसी को कहते हैं अभियोजन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। जब FIR दर्ज हो जाता है तो आपके सुरक्षा के लिए, सूचनादाता को रक्षा सुरक्षा के लिए आपका पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन बिहार सरकार, आप कोई सरकार आपको मुहैया कराती है और सब तरह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको, आपके गवाहों को भी रक्षा आपको पुलिस करती है, क्योंकि आप सरकार के पक्षधर हो गए। उसके बाद देखिए कि जब चार्जशीट जब हो जाता है केस में, चार्जशीट के बाद उसी दिन आपको सूचनादाता को इन इन्फॉर्मेंट को सूचना दी जाती है कि आपके केस में ये आपको चार्जशीट आज सबमिट कर दिया गया है, यानी अब तैयार रहिए, आपका मुकदमा अब न्यायालय में जा रहा है, न्यायालय में ट्रायल को चलेगा। लेकिन जब भी कोई चार्जशीट आप निकालेंगे, आप देखेंगे उस चार्जशीट के नीचे, चार्जशीट माने 173 CRPC जो दाखिल करता है, अनुसंधान करता है, उसके नीचे उसमें लिखता है कि कांड का अनुसंधान पूर्ण किया और इसकी सूचना वादी को यानी इन्फॉर्मेंट को दी गई। इसी को कहते हैं अब यहीं से आप हो गए अभियोजन, यानी अब सरकार हो गए। जैसे ही न्यायालय में मामला जाता है, न्यायालय में आपके पक्ष को मजबूत करने के लिए सरकार ने दो व्यवस्थाएं की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक जो CGM लेवल तक, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेकंड से लेकर के वैसी धाराओं में जिसका ट्रायल CGM स्तर तक होगा, उसके लिए राज्य सरकार ने अपने APO की बहाली करके आपकी सुरक्षा में, आपके रक्षा में, आपके एविडेंस को बचाने के लिए एक एक केसों को बंटवारा कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं APO, यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूट ऑफिसर, जो आपको एडिशनल जो रक्षा करता है आपके रिकॉर्ड को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपका केस सेशन लेवल तक जाता है, यानी जिसमें सजाए 10 साल से ऊपर वाले में, उस समय भी आपके लिए स्पेशल गवर्नमेंट आपके PP की आपको बहाली की जाती है, जिसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, PP केसों के संधारित करने के लिए हर रिकॉर्ड पर एक APP वकील को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। APP आपके रिकॉर्ड की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, अभियोजन की रक्षा करता है, और वहीं से गवाही से कराना सारा करता है, और जहां तक सब कुछ व्यवस्था बिहार सरकार यानी कोई राज्य की सरकार आपको सीधा इन्फॉर्मेंट के पक्ष में FIR से चार्जशीट ट्रायल तक सारा खर्च उसको सरकार वहन करती है, इसी को कहते हैं सरकार। यानी समझ गए होंगे आप, रिकॉर्ड पर ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, देखेंगे सरकार बनाम फलाना, जो नेम्ड जो होगा, जिसका नाम होगा, वो होगा अभियुक्त पक्ष, और जो सरकार बनाम होगा सरकार, वो सरकार होगा आपको सरकारी वकील। हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहा कि सरकार का इतना खर्च है इस पर, सोच सकते हैं FIR से ऐसे होता है, उसमें सभी पुलिस व्यवस्था का खर्च, एरियर से लेकर
कोर्ट में जाते हैं, ऊपर एपीओ का पूरा खर्च, पूरी व्यवस्था, एक मुकदमा ट्रायल होने तक करीब 3 से 4 लाख रुपए तक आपको सरकार का खर्च होता है। इसलिए हमने आज वीडियो के माध्यम से समझाने प्रयास किया कि जब मुकदमा आप दायर करते हैं हर तरह की सुविधाएं आपको सरकार देती है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि रिकॉर्ड पे जो ट्रायल में लिखते होंगे पढ़ते होंगे सरकार बनाम वही सरकार है, इन्फॉर्मेंट है। अपने वीडियो से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अभियुक्त पक्ष का न्याय हित क्या होता है, यानी आज के वीडियो में समझ गए होंगे कि सरकार किसको कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड सरकार बनाम। मेरे ख्याल से मेरे वीडियो से आप सुन के आपको अच्छा लगेगा, इसे जो भी हम परमानेंट वीडियो डालते हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को सुने देखें। मेरा लुक स्मार्ट न्यूज चैनल जो हमारे यूट्यूब पर है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर को भी यानी कि लुक स्मार्ट न्यूज, अगर दोनों को देखते हैं निश्चित तौर पर हर दिन आपको नया नया वीडियो परमानेंट हम देते रहते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।